डॉक्टर अग्रवाल, बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये वीडियो में तो वो अस्पताल, वो स्वास्थ्यकर्मी नजर आ रहे हैं जिन तक हम पहुंच गए। ना जाने कितने ऐसे होंगे जो कि ये गोरख धंधा, फर्जीवाड़ा चला रहे होंगे। मैं टीवी 9 के मैनेजमेंट से एक प्रार्थना भी करूंगा कि इस पे एक अपने जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है इसके बेस लेते हुए एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दोनों हरियाणा और यूपी सरकार को दी जाए, वे इनके वीडियो को संलग्न करके, जिससे कि उस पे इमीडिएटली एक्शन हो और रिकॉर्ड में भी आए। खाली खाली हम वीडियो दिखाएं और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ सकती है उसमें। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से फॉर्मल कंप्लेंट जाएगी विद इन वीडियो को अटैच करके, तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा एक्शन नहीं होता तो प्लीज हम भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप हमको भी इसके कॉपी अगर IMA में भेजेंगे तो हम लोग भी, IMA एक एसोसिएशन है, बट हम लोग भी इस पे सख्ती से सख्ती कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। अनुरोध क्या, हमें शोर भी मचाना होगा तो मचाएंगे कि ऐसे लोगों को बायकॉट किया जाए, इनको सजा दी जाए। तो IMA की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से क्या रोल हो सकता है, IMA से क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस खुलासे के बाद? देखिए, IMA से अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे IMA के कोई सदस्य या कोई डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर आपके इस वीडियो के द्वारा ऐसा प्रमाणित होता है, तो हम सबसे पहले तो हम उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अपने डिस्कशंस के बाद एक तो उनको हम मेंबरशिप से निकालेंगे इमीडिएटली, और सरकार के आगे अपनी तरफ से भी कंप्लेंट करेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में हम सब ये जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ ये एकमात्र बड़ा हथियार हमारे पास है जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर तो आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं, कई होटल्स में ये जरूरी कर दिया गया है कि अगर आपको स्टे करना है तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं। ये तमाम लोग जो ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो भी ना और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाए, मंशा क्या नजर आती है उन लोगों की? मैं तो बड़ा हैरान हूं कि उन लोगों की क्या मानसिकता होगी जो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वैक्सीन लगवाएं नहीं और सर्टिफिकेट ले लें। देखिए, ये तो चोरी और डकैती से कम काम नहीं है ना। आप समझे कि आप अपने ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों को जिनको कि आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे दिया वो खुद भी अपनी जान को खतरा में डाल रहे हैं। यही तो बात है, वो जहां जिस पब्लिक प्लेस पे जाएंगे वहां और लोगों को भी स्प्रेड करेंगे बीमारी का। तो ये तो एक तरीके से बहुत ही खतरनाक और जघन्य काम है कि इस तरीके का काम, और ऐसी सिचुएशन में जब सरकार एक इमरजेंसी में से गुजर रहा है, ऐसा हमारी जनता बहुत परेशान है, और आप देखिए ना, डेढ़ डेढ़ महीने का लॉकडाउन पूरा हुआ है, लोगों को पैसे, घर के खर्चे चलाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को अपने परिवार के बीमारियों का इलाज कराने में दिक्कत हो रही है, लोगों ने अपने घरों को बेचा है इलाज के चक्कर में, और ऐसा भी देखा गया है कि मुश्किल से ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका पास का या दूर का कोई ना कोई जो सदस्य है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हुआ हो या इस बीमारी से बेचारे की जान ना गई हो। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में अगर हम गुजर रहे हैं, जो चीज हमारे पास अवेलेबल, एक तो पहले अवेलेबिलिटी का इशू था, और अगर साथ साथ अगर ऐसा भी काम होगा कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे और वैक्सीन के सर्टिफिकेट देंगे, और वैक्सीन अगर, क्योंकि उनको तो काउंट करना होगा, इसका मतलब वो वैक्सीन को भी बेच रहे होंगे कहीं पर, जिसके नाम से उन्होंने वैक्सीन दी उसको कहीं आगे बेच रहे होंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग आगे कहीं प्राइवेट में दे रहे होंगे, बाकी जगह दे रहे होंगे, तो वो भी एक बहुत ही गलत और जघन्य काम। और ऐसा तो मैंने कहा ना कि अनबिलीवेबल सी चीज है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं तो प्रार्थना यही करूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके माध्यम। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हम जब ये स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दे रही थी हमारी टीम, तो खास जोर इस बात पर था कि हो सकता है ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो दी जा रही है वो फर्जी हो, उसका अपडेशन जो है वो कोविन ऐप पर ना हो रहा हो, इसलिए हमने खास तौर पर इसकी पड़ताल की, और फिर ये पता चला कि बाकायदा कोविन ऐप पर ये तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट भी हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ भी हेराफेरी की संभावना, आशंका साफ तौर पर नजर आती है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।